लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कनिका कपूर, मोरानी फैमिली, किरण कुमार और मोहिना सिंह के बाद अब एक और सेलेब्स कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। फिल्म तेरासी और सूर्यवंशी के प्रोड्यूसर और रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रुप के सीईओ शिवाशीष सरकार की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शिवाशीष को बुखार था, ऐसे में उनकी जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें फौरन कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब उनकी हालत में सुधार है। कुछ दिनों पहले ही शिवाशीष ने बताया था कि सूर्यवंशी और तेरासी दोनों ही फिल्में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं होंगी। इन्हें तभी रिलीज किया जाएगा जब लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा। बता दें कि बोनी कपूर और करण जौहर के स्टाफ के लोग भी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। वहीं टीवी इंडस्ट्री से भी कई लोग इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले सिंगर कनिका कपूर इस बीमारी से संक्रमित हुई थीं। उनके बाद प्रोड्यूसर करीम मोरानी और उनकी दोनों बेटियों को भी कोरोना हो गया था। कुछ दिनों पहले किरण कुमार भी इस बीमारी को हराकर हाल ही में ठीक हुए हैं।